चंदौली में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर सपा के पूर्व विधायक ने डीएम निखिल टी फुंडे से मुलाकात की। आपको बता दें कि चंदौली से सैदपुर तक बनने वाली सड़क के लिए अधिग्रहण हो रहा है। उन्होंने किसानों की जमीन अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देने की आवाज़ उठाई है। वहीं भूमिहीन होने वाले किसानों को दूसरी जमीन आवंटित करने की भी मांग की है। साथ ही पूर्व विधायक ने गंगा कटान रोकने के लिए पदयात्रा हेतु डीएम से अनुमति ली है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। किसी भी व्यक्ति का अगर निजी भूमि है तो वो भूमि और जो भी बना हुआ वो मिलेगा, और अगर निजी जमीन नहीं है जमीन पर बना हुआ तो मकान कम हो जाए। और हम लोग इसलिए एडवांस को लिखित भी दे रहे हैं कि अगर किसी प्रकार से आपको आपत्ति है जो भी हमने मुआवजा बनाया है तो आप उनको आपत्ति एडवांस में दे रहे हैं। उससे पारदर्शिता है कि किसी का अगर मान लीजिए कम ज़्यादा हो रहा है तो वो कम से कम हमारे नॉलेज में हो जाएगा। ये हम लोगों ने ट्राई किया है। और मेरे अधिकार में जो होगा मैक्सिमम मैं करूंगा। आपका संरक्षण मिले तो क्या काम से ही मतलब है, कोई जरूरी थोड़ी हर चीज के लिए लड़ना ही जरूरी। लोगों का ही फायदा, इतनी अच्छी सड़क बन जाएगी, थोड़ी सड़क बन जाएगी तो भी लोगों का फायदा है। रोड चौड़ीकरण थोड़ा हाँ वो तो झेलना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत वो होता ही उसमें तो कोई बस वही लोग परेशान बार बार जाता हो घेर लेते हैं रोड वो घेरते हैं। वो कल रोड पे गए थे, हमने कहा इसी लिखे सो भैया अंदर लो, पहले अंदर चल बात करते हैं तो अंदर बात करते हैं। लोग देखते रहते हैं, लोग दस बीस लोग बैठे हैं। ठीक है सर, देखिए इसके लिए आपको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा आप किसी को भेजते हम आपको वो फॉर्मेट दे देंगे, उसके ऊपर जो करके जमा कर दे उस हिसाब से। क्योंकि स्थल वार परमिशन दिया है, इस तरह का आदेश दिया है, ये फॉर्मेट आप ही सी को अपने अभी बता दीजिए। साथ में कहां मिलेगा तहसील भी के तहसील में नहीं वो फॉर्मेट पे काफी जगह है, सब घर भर के उसको देना पड़ेगा। हम जाए पुलिस रिपोर्ट आएगी सब में पता चला प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम होगा। ओके थैंक यू। देखिए मामला था फगुइयां का, फगुइया में लोग वहाँ पोह में थे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डीएम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भूमि आबादी की है और जिसका डीह पर है उसके मकान का पैसा मिलेगा, और जिसको डीह उतना ही डीह है दूसरा ज़मीन नहीं है उसको डीह का भी डीह के बदले में दूसरा डीह मिलेगा। इसी वहाँ पोह में लोग परेशान थे, इसलिए मैं वो मिलना बहुत ज़रूरी था। तो बता रहे हैं कि उनके ट्यूबवेल से लेके नल से लेके कुआं से लेके घर से लेके जो भी रहेगा विधायक जी बिल्कुल मिलेगा। एक बार और मैं सर्वे करा दूंगा, कोई भी छूटने का काम नहीं होगा, सबको मिलेगा। इसके अलावा और किसी मुद्दे पर बात हुई? मैं कल हमारी 14 तारीख से 18 तारीख तक हमारी पदयात्रा है, गंगा कटान जनसंपर्क यात्रा है, उसके लिए मैं परमिशन के लिए कहाँ हूँ। तो डीएम साहब कहे कि अरे परमिशन की कोई बहुत विशेष जरूरत तो है नहीं, अगर फिर भी जरूरत आपको है तो ले लीजिए परमिशन। मैंने कहा एडीएम साहब को 2 तारीख को ही मैं दे दिया हूँ लेटर, कहें ठीक है मिल जाएगा, नहीं तो बहुत ज़रूरत नहीं है आपको परमिशन की। कितने दिनों तक की पदयात्रा है? ये पदयात्रा 5 दिन की है।